नमस्कार, कैसे हैं आप। प्रणव्स डिलीशियस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं स्पेशल बिरयानी विद ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स। इसके लिए सबसे पहले मैं लूंगी राइस, कुछ कम 1 किलो बासमती राइस ले लिया है। यहाँ पे धोने के बाद मैं इसमें वाटर ऐड कर लूंगी। वाटर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी कुछ कम 2 बिरयानी के पत्ते, बे लीव्स, और थोड़ी लौंग, कुछ कम 5 से 6 काली मिर्च, साबित काली मिर्च डाल लीजिएगा आप, 2 हरी इलायची, जापत्री, स्टार फ्लावर, और 2 काली इलायची, बड़ी काली इलायची, और दालचीनी के कुछ टुकड़े, शाही जीरा कुछ कम 1/2 चम्मच। अब इसके साथ कुछ 10 से 15 हरी मिर्च डाल के इसे 15 मिनट तक भिगो दूंगी। चलिए अब बैटर बना लें। उसके लिए मैं ले रही हूँ 1/2 लीटर दही। इसे अच्छे से फेंट लें। अब दही में मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच मेथी जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर और 2 से 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसके बाद कुछ कम 1 से 2 चम्मच नमक ऐड कर लूंगी। आप आपके स्वाद अनुसार ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच चाट मसाला, ये ऑप्शनल है। इसके बाद 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं कुछ कम 1/2 चम्मच अजीनोमोटो ऐड कर रही हूँ और 1 नींबू का रस, जी हाँ, 1 पूरा नींबू का रस इसमें ऐड करके अच्छे से फेंट लें। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे बाजू रख लें। अब एक बड़े बाउल में 1 कटोरी तेल ऐड कर लूंगी। जी हाँ, मैं इसी में बिरयानी को दम दूंगी। अब इसमें मैं ऐड करूंगी कुछ कम 4 चम्मच घी। अब इसमें मैं वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। सबसे पहले पोटैटो, जी हाँ आलू। इसके बाद मैं ऐड करूंगी कैरेट और कॉलीफ्लावर। अब नेक्स्ट मैं लूंगी बीटरूट, इसे अलग से फ्राई कर लीजिएगा, और अनियंस कुछ कम 1 कटोरी, इसे भी अलग से फ्राई कर लीजिएगा कुछ इस तरीके से। अब बीट रूट में ऑलरेडी मैरिनेटेड कर्ड मिला लेके कुछ इस तरीके से रख लीजिएगा। ऐसा करने से हमें एक्स्ट्रा फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इन वेजिटेबल्स में मैं ऐड करूँगी बीन्स। अब इसके बाद मैं ऑलरेडी भिगो के रख लिया था मिल मेकर, वो भी ऐड कर लूँगी। अब इन सभी को फ्राई करने के बाद मैं इसमें और थोड़ी हरी मिर्ची ऐड करके फ्राई कर लूंगी। 5 मिनट बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी मटर, जी हाँ ये फ्रेश ग्रीन पीस है, ये भी इसमें ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब मैं ऐड करूंगी हरा धनिया, इसके साथ ही पुदीने के पत्ते, और ये वाइट पेपर है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते। और मैं यहाँ पे 1 से 2 चम्मच शाही मसाला ऐड कर रही हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें मैं मैरिनेटेड कर्ड ऐड करके अच्छे से मिला लूँगी। अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें कुछ कम 1 छोटी कटोरी में ड्राई फ्रूट्स का पाउडर ऐड कर लूँगी। राइस बॉयल होने लगा है, अब मैं इसमें 1 चम्मच तेल और सॉल्ट ऐड कर लूँगी, और 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं राइस हाफ बॉईल होने लगा है। अब इसे कपड़े की मदद से छान लीजिएगा और इसका 1 लेयर मैरिनेटेड वेजिटेबल्स पे डाल लीजिएगा कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ 1/2 राइस ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से स्प्रेड कर ले
और साइड से मैं कुछ कम 2 चम्मच घी ऐड करूंगी और छोटे छोटे होल्स कर लूंगी कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब इस होल्स में मैं मैरिनेट करके रखे सो बीटरूट ऐड कर लूंगी। ऐसा करने से राइस में नेचुरल कलर ऐड होगा, आपको एक्सेस फूड कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद और 1 से 2 चम्मच घी ऐड कर लूँगी। इसके बाद इसमें मैं कुछ पुदीने के पत्ते और हरा धनिया ऐड कर लूँगी। अब इसके ऊपर राइस का और एक लेयर ऐड कर लूँगी, हाफ बॉइल्ड राइस का। अब इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी और इसमें फिर से होल्स, छोटे छोटे होल्स कर लूँगी ताकि स्टीम चारों तरफ हो और राइस अच्छे से पक जाए। अब एक गीले कपड़े की मदद से, जी हाँ, ये मैं कॉटन का कपड़ा ले रही हूँ, इससे मैं कुछ कम 15 से 20 मिनट तक राइस को स्टीम दूँगी। जी हाँ, दम पे राइस को पका लूँगी। 15 मिनट बाद आप देख सकते हैं राइस अच्छे से हो गया है। चलिए अब इसको प्लेटिंग कर ले। देखा ना कितनी आसानी से और कितनी जल्दी हमने वेज बिरयानी बना लिया है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपकी जो भी राय है मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये आसान तरीका पसंद आया होगा। इसे प्लीज़ 200 लाइक्स ज़रूर दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।